इसमें कोई शक नहीं है कि अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, अभिषेक, ऐश्वर्या, श्वेता कभी एक साथ नजर आते थे, जश्न मनाते, और अब ये पूरा सदस्य बच्चन परिवार का एक एक सदस्य मानो सिर्फ और सिर्फ निशाने पर है, परिवार में फूट की खबरों में बना हुआ है। इस बीच हम आपको एक ऐसा सच बताने जा रहे हैं जिस पर शायद एक पल के लिए आपको यकीन ना हो, लेकिन सच तो सच है। जी हाँ, आप भी हैरान होंगे जानकर, लेकिन सच यही है कि बच्चन परिवार, जी हाँ, बच्चन परिवार का हिस्सा बन चुकी है करिश्मा कपूर। वेल, अब ये हुआ कैसे? कैसे बच्चन परिवार का हिस्सा बनी करिश्मा कपूर? होंगे आपके जहन में इसे लेकर कई सवाल। हम आपको इस रिपोर्ट में इस बारे में ज़रूर बताना चाहेंगे। दरअसल इसके पीछे कारण बड़ा है। दरअसल करिश्मा कपूर रिश्ते में श्वेता की ननद लगती हैं, यानी कि अमिताभ जया की समधन जो रही थी ऋतु नंदा, उनकी अपनी भतीजी है करिश्मा कपूर। राज कपूर की बेटी है अमिताभ जया की समधन, जो इस दुनिया में भले ना हो लेकिन नंदा परिवार तो है ही बच्चन परिवार का हिस्सा। निखिल नंदा लाडले दामाद हैं जया और अमिताभ के, इसलिए दामाद के शाही स्वागत में दामाद पर प्यार लुटाने में कभी बच्चन परिवार ने कमी नहीं रखी। एक बार हुआ यूं कि निखिल नंदा के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए राजधानी दिल्ली में पहले से मौजूद थी जया बच्चन, जो पहुंची अपने दामाद के घर, और किस्मत देखिए उस वक्त करिश्मा कपूर भी मौजूद थी। अभी कुछ साल पहले की ही बात है, करिश्मा भी अपने कज़न के बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए पहुंची, और तब जया ने करिश्मा को इग्नोर नहीं किया बल्कि फैमिली की तरह ही ट्रीट किया। श्वेता भी ऐसा ही करती है। इनफैक्ट अमिताभ भी करिश्मा ही नहीं, करीना को भी अपने परिवार का हिस्सा ही मानते हैं। कपूर फैमिली से करिश्मा कपूर ही नहीं, बबीता रणधीर के साथ भी बच्चन परिवार के रिश्ते अच्छे हैं। ये बात अलग है कि गलत नोट पर अभिषेक और करिश्मा की सगाई टूटी, लेकिन नंदा परिवार से पहले का नाता था। श्वेता नंदन की शादी पहले ही हो चुकी थी निखिल नंदा से, इस वजह से करिश्मा करीना कपूर फैमिली से जो बच्चन परिवार का रिश्ता था वो रिश्ता उन्होंने नहीं तोड़ा। नेक्स्ट 9 लाइव रिपोर्ट।